Hello everyone, welcome and welcome back to the channel and welcome back to our new video and जो कि होने वाली है मिंत्रा की. एंड रिसेंटली मैंने कुछ कुर्ते बाय किए थे मिंत्रा से, क्योंकि समर्स है एंड कुर्ते काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं वेयर करने के लिए. तो ज़्यादा बातें नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद माई वन ऑफ माई फेवरेट कुर्ता, जो कि ये स्लीवलेस स्ट्रैपी कुर्ता है. एंड मटेरियल इसका रेयन है एंड आई गेस ये फॉइल प्रिंट इसको बोलते हैं, इस तरीके से कुछ प्रिंट दिया है. एंड पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, पूरा लॉन्ग कुर्ता दिया है. साइड में जिप्टी है, लाइक वेयर करने के लिए कंफर्टेबल हो, कोई प्रॉब्लम ना आए पहनने में. तो कुर्ता इस तरीके से दिया है. एंड बैक इसका गाइस थोड़ा सा हल्का डीप है, लाइक कुछ जो लोग कंफर्टेबल नहीं है तो वो परचेज ना करें. एंड जिनको पसंद है लाइक बैक से डीप नेक पहनना, वो उसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि फ्रंट से जो बैक है इसका वो थोड़ा सा डीप है. लाइक यहाँ पे भी आप ऐसे आगे देखो तो काफ़ी ज़्यादा डीप नेक आता है इसका. तो ये था मेरा फर्स्ट परचेज. इसको आप स्टाइल काफ़ी तरीके से कर सकते हैं, लाइक वाइट प्लाजो के साथ में, वाइट पैंट के साथ में करोगे तो लाइक बहुत ही ज़्यादा कैजुअल लुक देगा. और अगर सेम कलर की शरारा पैंट या सेम दुपट्टे के साथ स्टाइल करोगे तो काफ़ी हैवी लुक देगा. लाइक पार्टी वेयर फंक्शंस में भी आप इसको कैरी कर सकते हो. तो वो डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से स्टाइल करोगे. बाकी आप इसका जो लुक है वो ट्राई ऑन में देख सकते हैं, ठीक है. तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट जो मैंने बाय किया था, अगेन एक कुर्ता है जो कि कॉटन का कुर्ता है. कुछ इस तरीके से लाइट कुछ पिंक कलर में कुर्ता दिया है, इस तरीके से. नेक पे पूरा एम्ब्रॉयडरी दिया है, एम्ब्रॉयडरी काफ़ी नीट है. से मैंने लिया था जो कि लिबास ब्रांड का है, इस तरीके से कुछ कुर्ता है. एंड फुल लेंथ का कुर्ता है, इसको मैंने बिल्कुल भी फिटिंग या फिर कुछ भी अल्टर कहीं से नहीं करवाया है. एज इट इज़ मैंने लिया, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज लिया था और मुझे परफेक्टली फिट हुआ है. एंड पहन के बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है गाइस. सो ये था हमारा नेक्स्ट परचेज. थर्ड, मैंने अगेन सेम ब्रांड से कुर्ता परचेज किया है, लिबास से. बट गाइस कलर लाइक काफ़ी ज़्यादा समरी कलर है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. लाइक इसकी स्लीव्स पे भी इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी दिया है. एंड नेक तो कही थी इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इस तरीके से कुछ नेक है. एंड अगेन पूरा प्लेन कुर्ता है, सेम मटेरियल इसका इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है. लाइक समर्स में भी आप वेयर कर सकते हो एंड काफ़ी ज़्यादा लाइक पार्टी वेयर में आपको स्टाइल करना है तो एज अ पार्टी वेयर भी स्टाइल कर सकते हो. एंड इस तरीके से कुछ एम्ब्रॉयडरी दिया है. इस नेक को आई गेस योक नेक बोलते हैं. उस वेबसाइट पे मैंने जितना भी इस तरीके के डिज़ाइन देखे नेक के, सारे योक नेक डिज़ाइन मेंशन किया हुआ था, बाकी आई डोंट नो एग्जैक्टली. तो इस तरीके का कुछ कुर्ता है एंड गाइस बहुत ज़्यादा प्रिटी कुर्ता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये. तो ये था थर्ड कुर्ता. एंड जो मेरा रीसेंट फेवरेट है आजकल, वो है ये पिंक कलर का, जो कि प्योर कॉटन पे दिया है. एंड ये चिकनकारी वर्क है, आजकल चिकनकारी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. इस तरीके का कुछ कुर्ता है, स्लीव्स पे ये हल्की सी डिटेलिंग दी है, लाइक लेस डिटेलिंग है. एंड नेक पे पूरा जो है वो ये चिकनकारी वर्क दिया है, इस तरीके से. एंड गाइस सी, और पूरा जो कुर्ता है वो इस तरीके से ये प्रिंटेड दिया है. एंड यहाँ पे भी साइड में जो है वो लेस डिटेलिंग दी है, इस तरीके से. अगेन बैक से पूरा प्लेन है, बैक से कुछ भी नहीं है, अगेन सेम कुर्ता है प्रिंटेड. एंड गाइस ये मेरा रीसेंट फेवरेट कुर्ता है, बाकी आप चेक करना किस ट्राई ऑन में कि कैसा लगता है. ये था हमारा फोर्थ कुर्ता. नेक्स्ट मैंने परचेज किया एक कुर्ता सेट, जो कि मैंने ट्राई किया था गाइस. तो वन मिनट, इस तरीके का कुछ ब्राउन कलर का कुर्ता है. एंड गाइस ये भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है, पूरा ये जो वर्क है ना, इतना नीट एंड क्लीन वर्क दिया है. लाइक इसको आप पार्टीज में, फंक्शंस में इजीली स्टाइल कर सकते हो. इस तरीके का कुछ मटेरियल है ये कपड़ा, कुछ शाइनी शाइनी मटेरियल है. एंड नीचे पल्ले पे बेस में यहाँ पे जो है लेस डिटेलिंग दिया हुआ है. एंड अगेन स्लीव्स पे भी इसमें यहाँ पे वर्क दिया है,
इस तरीके से, एंड स्लीव गाइस की काफ़ी ज़्यादा लाइक इस तरीके से कुछ स्लीव दी है, लाइक फिटेड स्लीव्स नहीं है, लाइक ओवर साइज्ड आप बोल सकते हो, या फिर पाकिस्तानी सूट्स के जिस तरह से स्लीव्स होते हैं ना, उस तरीके से कुछ स्लीव्स दिए हैं इसके। एंड ये इस तरीके से बैक से पूरा प्लेन दिया है इस तरीके से, एंड आपको इजीली इसको आप जो है पार्टी फंक्शंस के लिए, अगर आपको लाइक हैवी ज्वेलरी के साथ में या फिर हैवी एम्ब्रॉयडरी या हैवी वर्क वाले कपड़े पसंद नहीं आते, तो इजीली आप इसको स्टाइल कर सकते हो। एंड ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, एंड समर्स में भी आप इसको इजीली स्टाइल कर सकते हैं। ये था इसका कुर्ता। देन इसके साथ इसकी पैंट आई है जो कि इस तरीके से है, प्लेन पूरी पैंट दी है, जस्ट बॉटम में ये आपका जो है लेस डिटेलिंग दिया है, इस तरीके से लेस डिटेलिंग दिया है। बैक से ये पूरा इलास्टिकेटेड है इस तरीके से। एंड गाइस इसमें पॉकेट्स दिया है, लाइक अगर आपको साथ में कुछ कैरी करना है, फ़ोन या हल्का फुल्का कैश वगैरह कैरी करना है, तो आप इजीली रख सकते हो। दोनों साइड पे पॉकेट दिया है, और सेम लाइक मैं इसको ऑलरेडी एक बार वेयर कर चुकी हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आया। इसमें माइनस पॉइंट यही था कि इन्होंने पूरा सेट दिया है बट इसके साथ में दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा होता तो परफेक्ट पार्टी वेयर लुक बन जाता, तो ये इस तरीके का कुछ सेट है। तो मैंने इसको पार्टी वेयर बनाने के लिए एक प्लेन वाइट कलर का दुपट्टा लेके उसको कलर करवाया मार्केट से इस तरीके से, तो ये परफेक्ट एक सेट बन गया है, पूरा कुर्ता सेट विद दुपट्टा। लाइक आप इजीली फिर उसको पार्टीज में भी वेयर कर सकते हो, विदाउट दुपट्टा करना है तो आपकी चॉइस है गाइस, बट दुपट्टे के साथ भी ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। तो मैचिंग मैंने ये कलर सेम इसके साथ में मैच करवा के पूरा जो है उसको कलर करवा दिया सेम कलर से, तो ये कंप्लीट मेरा एक सेट बन गया। ठीक, तो ये थी हमारी आज की मिंत्रा की वीडियो, एंड प्लीज़ बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या देखना है। एंड गाइस प्लीज़, मैंने चेक किया है कि बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, प्लीज़ डू सपोर्ट गाइस। एंड आपको पसंद आता है तो आप लाइक करो, कुछ चेंजेस आप चाहते हो या मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।